बहुजन नायकों के इतिहास को समेटे 2025 का बहुजन कैलेंडर आ गया है। आज ही बुक करिए अपना बहुजन कैलेंडर। मोदी अडानी एक हैं, इसलिए अडानी सेफ हैं। संसद परिसर में इस पोस्टर को थामे विपक्ष ने एक बार फिर सरकार और अडानी के बीच मिलीभगत का आरोप लगाते हुए संसद परिसर में प्रदर्शन किया। विपक्ष मोदी सरकार से अडानी मामले में चर्चा की मांग कर रहा है। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक पहले 21 नवंबर को अमेरिका में अडानी के खिलाफ रिश्वत के आरोप लगाए गए। भारत के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में न सिर्फ धोखाधड़ी और रिश्वत के मामले में आरोप तय हुआ बल्कि अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया गया। इसके बाद से ही कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है और अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। 25 नवंबर से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू है। कांग्रेस मुद्दे पर सरकार को घेरना चाहती है लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। पर पता नहीं किसका हुक्म है, किसका आदेश कि सदन सरकार नहीं चलने दे रही। हमें पूरी उम्मीद है। इंडिया गठबंधन का कहना है कि मोदी सरकार अडानी के मामले पर चर्चा से भाग रही है बल्कि कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्ष ने संभल और मणिपुर के मुद्दे पर भी सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया। ये अरे इतना क्यों डरते हो अडानी से, इतना क्यों मणिपुर मुद्दे पर डरते हो, संभल मुद्दा पे बात करो ना, बताओ क्या है, इतना डरे हुए हो कि तुम सदन नहीं चलने दे रहे हो। इससे पहले राहुल गांधी ने भी अडानी मामले के सामने आने के बाद सरकार पर आरोप लगाया था और गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग की थी। राहुल गांधी का कहना था कि अडानी मोदी जी को फंड देते हैं और बदले में मोदी जी उन्हें देश की राष्ट्रीय संपत्ति सौंपते हैं। वे दोनों सबसे पहले एक दूसरे की रक्षा करते हैं लेकिन इसमें कीमत किसे चुकानी पड़ रही है, आपको यानी आम जनता को। इस पूरे मामले पर सरकार ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है लेकिन गौतम अडानी ने इस मामले में बढ़ते दबाव के बीच कहा था कि हर हमला हमें पहले से मजबूत बनाता है। फिलहाल संसद के शीतकालीन सत्र के 5 दिन बीत चुके हैं। अब देखना होगा कि सरकार इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करती है या फिर अडानी के नाम से असहज सरकार शीतकालीन सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।